हे व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूट्यूब चैनल। और गाइस हम आज बात करेंगे बेसिकली जो एप्पल है, बेसिकली बहुत ही बड़ा ब्रांड है और जो आईफोन्स आते हैं उनके तो उनमें क्या मिलता है ना कि डिस्प्ले जो होती है सैमसंग की होती है बेसिकली, तो वो अपना खुद का डिस्प्ले क्यों नहीं बनाता एप्पल और इतना बड़ा कंपनी है तो गाइस उनको खुद का डिस्प्ले बनाना चाहिए बेसिकली, पर वो सैमसंग से क्यों खरीदते हैं वो हम जानेंगे। इससे पहले अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। और ये वीडियो आपको इतना बड़ा कुछ मिलने नहीं वाला, तो गाइस एक दो मिनट की ही वीडियो बनने वाली। और गाइस अब आ जाते हैं टॉपिक पर। और गाइस क्या है ना कि सैमसंग जो है वो उसकी डिस्प्लेज लगभग 90% डिस्प्लेज जो होती है वो सभी के सभी स्मार्टफोन्स में देखी जाती है। ऐसे नहीं कि कंपनियां नहीं दूसरी सैमसंग के अलावा, तो गाइस बहुत सारी कंपनियां हैं पर जो कैलिब्रेशन है डिस्प्ले का या फिर कॉन्ट्रास्ट है सब कुछ ब्राइटनेस वगैरह जो है बेसिकली तो वो सब कुछ एकदम टॉप नॉच आता है किसका, सैमसंग का। इसकी वजह से जो एप्पल है, एप्पल क्या करता है ना कि अपने स्मार्टफोन में या फिर आईफोन्स में क्या करता है ना कि हर एक चीज़ जो है टॉप नॉच यूज़ करता है, यानी कि हर एक माल एक नंबर वन क्वालिटी का यहाँ पे यूज़ किया जाता है एप्पल के डिवाइसेस में। तो इसी की वजह से जो डिस्प्लेस है यहाँ पे सैमसंग के थ्रू यहाँ पे बनाई जाती है। और गाइस ऐसा नहीं कि, और गाइस इसी के वजह से सैमसंग का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसी के वजह से जो सैमसंग के मार्केट है वो भी अप, यानी कि एक नंबर पे, यानी कि जो वर्ल्ड में जो एक नंबर पे जो स्मार्टफोन बनाने की जो कंपनी है वो सैमसंग है, उसके बाद आता है एप्पल। इसी वजह से भी एक इम्पैक्ट पड़ता है एप्पल पर बेसिकली। एप्पल ने एक बार ट्राई किया था दूसरे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देने के डिस्प्ले का, पर उनको भी इतना कुछ कॉन्ट्रास्ट ह्यू एंड ब्राइटनेस कुछ इतना कुछ कैलिब्रेशन जमा नहीं, तो इसके वजह से जो है फिर से कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सैमसंग को देना पड़ा डिस्प्लेस का। तो डिस्प्लेस के मामले में तो एक नंबर पे एप्पल को जो बना के देती है सैमसंग वही आती है, जो कि 90% यहाँ पे एप्पल के सैमसंग के ही डिस्प्ले यूज़ किए जाते हैं हर डिवाइस में बेसिकली। और गाइस आपको लग रहा होगा कि एप्पल सैमसंग के सैमसंग से बड़ी कंपनी है, तो ऐसा नहीं, क्योंकि सैमसंग की इंडस्ट्री देखो आप तो बहुत ही बड़ी है। सिर्फ और सिर्फ एप्पल 3 ट्रिलियन की, और अगर सब कुछ सैमसंग की इंडस्ट्री को मिलाकर देखें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बड़ी कंपनी बन जाती है सैमसंग। और गाइस इसी के साथ तो सैमसंग जो है 1939 में चालू हुई थी और जो एप्पल है 1975 में चालू हुई थी बेसिकली। और गाइस इसी के साथ का एक मिथ होगा कि एक सैमसंग का कि छोटी कंपनी है, तो ऐसा नहीं कुछ भी बेसिक। और गाइस एप्पल ने जो दूसरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो कंपनी थी एलजी, पर एलजी को डिस्प्लेस बनाते नहीं आया बेसिकली, तो इसकी वजह से भी एक डिसअपॉइंट रहा एप्पल के लिए कि दूसरों कंपनियों को भी यहाँ पे कम दाम में बना नहीं सकते बेसिकली, तो एप्पल ने एलजी को अलग कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो गाइस यही थी कुछ आज की वीडियो। और गाइस आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि क्यों सैमसंग के ही डिस्प्लेस यूज़ किए जाते हैं बेसिकली एप्पल के डिवाइसेस में। और गाइस यही थी कुछ आज की वीडियो, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए टाटा बाय बाय।